आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम होता है? इरिथ्रोसाइट। क्या नाम है इसका दूसरा? इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का प्रोडक्शन देखते हैं कहां होता है। इसका प्रोडक्शन उत्पादन इसका देखते हैं कहां होता है, बनती कहां है। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहां बन रही है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहां बनती है आरबीसी? भ्रूणावस्था में कहां बनती है, या इसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम? प्रेगनेंसी स्टेज बोलते हैं। गर्भावस्था, भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज में आरबीसी कहां बन रही है? लीवर और स्प्लीन में। कहां पे? स्प्लीन। लीवर और कहां बन रही है? स्प्लीन में। कहां बन रही है भाई? लीवर और स्प्लीन में। स्प्लीन में, प्लीहा में बनती है। अब फिर देखते हैं, वे प्रोडक्शन हो गया है एम्ब्रियोनिक स्टेज का, एडल्ट स्टेज में कहां बनती है? एडल्ट स्टेज में देखते हैं कहां बनती है। एडल्ट स्टेज का क्या मतलब है? वयस्क अवस्था में कहां बनती है। तो वयस्क अवस्था में कहां बनती है? बोन मैरो में बनती है। कहां बनती है? बोन मैरो में बनती है। बोन मैरो, अस्थि मज्जा में बनती है। अस्थि मज्जा में बनती है। कहां बन रही है? अस्थि मज्जा में बन रही है। बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में बनती है। फिर देखते हैं क्या होता है अस्थि मज्जा। डेथ देखते हैं कहां होती है इनकी। डेथ, मृत्यु कहां हो रही है? तो इनकी डेथ 120 दिन बाद कहां होती है? लीवर एवं स्प्लीन में होती है। लीवर एवं स्प्लीन। स्प्लीन का नाम क्या है? प्लीहा। या इसी का दूसरा नाम क्या होता है? तिल्ली। ये एक ऑर्गन्स है, अंग है। लीवर का नाम क्या होता है? यकृत। यकृत। और दूसरा नाम क्या है इसका? जिगर। क्या बोलते हैं? जिगर। तो लीवर और स्प्लीन में होती है। सबसे ज्यादा डेथ कहां हो रही है? सबसे ज्यादा मृत्यु होती है स्प्लीन प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं? कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कह रहे हैं भाई? कब्रिस्तान ऑफ आरबीसी, या डॉकयार्ड इसको बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी का। फिर आरबीसी में खास चीज क्या है कि इसमें न्यूक्लियस, न्यूक्लियस केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक नहीं पाया जाता है। केंद्रक नहीं पाया जाता है तो क्या होगा? केंद्रक नहीं पाया जाता है तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और क्लोनिंग इससे नहीं हो सकती। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और क्लोनिंग नहीं संभव है। तो न्यूक्लियस नहीं पाया जाने के कारण इससे डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और क्लोनिंग संभव नहीं है आरबीसी के। तो आरबीसी में न्यूक्लियस ना पाए जाने के कारण इसका शेप, आकार कैसा होता है? इसका रूप कैसा होता है? शेप। शेप का मतलब दिखती कैसे हैं? तो ये बाइकॉनकेव टाइप की होती हैं, उभयतल। इसको क्या बोलते हैं? बाइकॉनकेव, उभयतल। दोनों तल इसके उठे हुए हैं। आगे देखते हैं कि इसका साइज क्या होता है। साइज होता है 8 माइक्रॉन। कितना होता है? 8
माइक्रॉन। आप लोग की नोट साथ साथ बनाते चलेंगे, आप लोग की नोट साथ साथ बनाते चलेंगे। की नोट की विधि के द्वारा ही हम क्या करेंगे, पूरे साइंस को पढ़ेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं की नोट विधि क्या है। सबसे पहले क्या जान लेते हैं कि उस विषय वस्तु में क्या क्या चीजें हैं। जब हम उसको जान लेते हैं तब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक को डिस्क्राइब करेंगे, एक एक को अलग अलग पढ़ेंगे। तो साइज का कितना है, 8 माइक्रॉन है। तो तीनों रक्त कोशिकाओं में आरबीसी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। आरबीसी क्या होती है भाई, तीनों रक्त कणिकाओं में या तीनों ब्लड सेल्स में, जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में आरबीसी क्या होती है, सबसे छोटी होती है। लेकिन इसकी संख्या सबसे ज्यादा होती है, नंबर, इसका नंबर क्या होता है, इसका नंबर क्या होता है, सबसे ज्यादा नंबर संख्या होती है मेल में। पुरुष में कितना होती है, पुरुष में होता है 54 लाख, और महिला फीमेल में होती है 48 लाख क्या, प्रति घन मिलीलीटर, प्रति घन मिलीलीटर होती है। फिर देखते हैं न्यूक्लियस पाया भी जाता है कुछ जंतुओं के आरबीसी में। तो किसके जंतुओं में पाया जाता है न्यूक्लियस, ऊंट और लामा, दो ऐसे जंतु हैं जिनके आरबीसी में क्या पाया जाता है, इनके आरबीसी में न्यूक्लियस केंद्रक भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केंद्रक भी पाया जाता है। तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और क्लोनिंग अगर हमें करना हो आरबीसी से तो किसके कर सकते हैं, ऊंट और लामा के। इसका फंक्शन क्या है, कार्य क्या है आरबीसी का, फंक्शन कार्य देखते हैं, वर्क क्या है इसका। तो आरबीसी का जो कार्य होता है वो क्या है, आरबीसी का कार्य, तो आरबीसी का कार्य होगा गैसों का परिवहन, सर्कुलेशन ऑफ गैसें, सर्कुलेशन ऑफ गैसेस। और ये गैसें कौन होंगी, तो परिवहन करना है किसका, गैसों का परिवहन, परिवहन करना है किसका, गैसों का। और ये गैसें कौन है, मेन O2 और CO2। अब देखते हैं आगे, आरबीसी का ऊंचाई पे जाने पे हाइट के साथ इसका क्या होता है, समानुपाती संबंध होता है। हाइट बढ़ाने पे आरबीसी की संख्या काउंट भी क्या होता है, बढ़ जाता है। सोते समय आरबीसी की संख्या कम हो जाती है, लगभग कितना, 5% कम हो जाती है। आरबीसी की संख्या सोते समय क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और क्या है खास आरबीसी में, और आरबीसी में खास क्या है, हमें ये जानना है। तो आरबीसी में अन्य जो खास बातें हैं उसमें है इसकी डिजीज, रोग, और रोग कितने प्रकार के हैं। पहला है एनीमिया, एनीमिया इसका नाम क्या है, रक्त अल्पता या रक्त क्षीणता। दूसरा क्या है, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया इसका नाम क्या है, हसिया दात्री रोग, क्या नाम है, हसिया दात्री रोग, सिकल सेल एनीमिया। फिर क्या है, थैलीसीमिया, फिर क्या है, थैलीसीमिया। एक एक करके अभी देख रहे हैं हम, ये तीन डिजीज हैं इसमें जो हमें पढ़नी है। तो आरबीसी के जनरल करेक्टर में क्या दिखता है, एक खास चीज और बची है आरबीसी को लेके, कि आरबीसी केवल उन्हीं जंतुओं में पाया जाता है जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, स्पाइनल कार्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है, स्पाइनल कार्ड, रीढ़ की हड्डी, क्या पाई जाती है, स्पाइनल कार्ड, मेरुदंड इसमें पाया जाता है,
उसी में क्या पाई जाती है, आरबीसी। तो आरबीसी पाई जाती है केवल ओनली कशेरुकी, जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाए तो उनमें आरबीसी पाई जाती है। अब हम एक एक करके क्या करते हैं, इनका देखते हैं कि कैसे क्या है, एक एक करके हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, डिराइव करेंगे चीजों को। सबसे पहले आरबीसी का हम क्या देख रहे हैं, प्रोडक्शन तो क्या था बोन मैरो में, कब, एडल्ट स्टेज में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में कहाँ होता है, लीवर और स्प्लीन, डेथ भी कहाँ हो रही है लीवर और स्प्लीन में, इनका साइज क्या है 8 माइक्रॉन, शेप क्या है बाइक्यान के है, उभयतल है, हाइट बढ़ने पे आरबीसी की बढ़ जाती है, सोते समय आरबीसी कम हो जाती है, कार्य क्या है, गैसों का परिवहन है इनका मुख्य कार्य, मुख्य कार्य क्या है गैसों का परिवहन है, फिर इसके साथ इनका मुख्य कार्य क्या बना हुआ है, गैसों का परिवहन तो करेंगे ही, साथ में इनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है क्वेश्चन, वो कौन सी कोशिका है जिसके सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, तो आरबीसी में नहीं पाया जाता, जिससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और क्लोनिंग नहीं हो सकती। आरबीसी कहाँ पाई जाती है, ओनली वर्टिब्रेट क्लास के जंतुओं में पाई जाती है, कशेरुकी के जो जंतु होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसमें आरबीसी पाई जाती है। आगे देखते हैं आरबीसी का एक एक करके देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे आरबीसी को क्या बोलते हैं, इरिथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, आरबीसी को क्या बोलते हैं इरिथ्रोसाइट बोलते हैं, आरबीसी का दूसरा नाम क्या है इरिथ्रोसाइट है। दूसरा यहां लिखा है प्रोडक्शन, उत्पादन कहाँ हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज में हम उत्पादन देखने के लिए क्या देखें, उत्पादन कहाँ हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, कहाँ हो रहा है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो कहाँ होता है लीवर और स्प्लीन में, प्लीहा में, लीवर और स्प्लीन में, प्लीहा में, प्लीहा में। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज की बात कर रहे हैं, तो एम्ब्रियोनिक स्टेज का मतलब क्या है, प्रेगनेंसी स्टेज से मतलब है, प्रेगनेंसी स्टेज के दौरान बच्चा किससे जुड़ा रहता है, मां के प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, इस स्टेज के दौरान जो होता है बच्चे में आरबीसी, ब्लड में आरबीसी का निर्माण कहां हो रहा है, तो बच्चे का कहां होता है स्प्लीन और लीवर में, कहां होता है लीवर और स्प्लीन में। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो बड़ा हो जाएगा, ये बच्चा बड़ा हो गया तो इसमें जो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो बड़ी हड्डियां होती हैं जैसे फीमर हैं, हाथ की हड्डियां हैं, इन हड्डियों के बीच में एक सेमी लिक्विड पदार्थ टिश्यू पाया जाता है, एक सेमी लिक्विड पदार्थ टिश्यू पाया जाता है, कुछ सेल्स पाई जाती है, इसे क्या कहते हैं बोन मैरो कहते हैं, क्या कहते हैं बोन मैरो कहते हैं, अस्थि मज्जा बोलते हैं। तो ये बोन मैरो भी दो तरीके का होता है, बोन मैरो भी कितने प्रकार का होता है, दो तरीके का, बीच में जो इसके सेल पाई जाती हैं उसे बोलते हैं एलो बोन मैरो, क्या बोलते हैं एलो बोन मैरो या अस्थि मज्जा, बोन मैरो बोलते हैं या इसको क्या बोलते हैं अस्थि मज्जा, एलो बोन मैरो बंद बोलते हैं या पीत अस्थि मज्जा बोलते हैं। इसमें किसका निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी का और प्लेटलेट्स का, किसका निर्माण होता है डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स का, और आपके इसमें रेड बोन मैरो जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेड बोन मैरो बोलते हैं, इन सेल में किसका निर्माण होता है, इन सेल में आरबीसी का, इसको रेड बोन मैरो बोलते हैं, इसमें किसका निर्माण होता है आरबीसी का। तो एडल्ट स्टेज में जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ हो रहा है, एडल्ट स्टेज में आरबीसी का निर्माण होता है
बोन मैरो में, किस बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, तो बड़ी हड्डियां जो पाई जाती है उनमें पाई जाती है मैरो कैविटी, उसी मैरो कैविटी में सेल्स पाई जाती हैं। उन सेल्स में दो तरीके की सेल होती है, एक रेड कलर की और दूसरी क्या होती है येलो। येलो आले से किसका निर्माण होता है, WBC और प्लेटलेट्स का, रेड आले से RBC का। इसकी डेथ कहां होती है, अगर हम देखना चाहें डेथ, इसको साथ साथ नोट करते चले जाएंगे, की नोट्स बनाते चलेंगे। क्या करते चलेंगे, की नोट्स बनाते चलेंगे। अब देखते हैं डेथ, तो डेथ कितने बाद दिन बाद होगी, 120 दिन बाद होगी, 120 डेज। तो डेथ का क्या मतलब है, तो ऐसी आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, जो हीम प्लस किससे बना है, ग्लोबिन नामक प्रोटीन से बना है। यही हीम वाले भाग में क्या पाए जा रहे हैं, फेरस के 4 एटम पाए जाते हैं, जो अपने साथ क्या जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ते हैं, जो अपने साथ किसको जोड़ते हैं, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल जोड़ते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन बनता है। तो यही हीम वाला भाग फेस के अणु में 4 टूटने के साथ जब डेथ होती है तो किसमें टूट जाता है, 4-5 प्रोटीन में, 4-5 प्रोटीन में। और ये 4-5 प्रोटीन किससे बदल जाता है, बिलरुबिन में। इसी को आरबीसी की क्या कहते हैं, डेथ। तो इनको आरबीसी की डेथ करने के लिए कुछ भच्छी कोशिकाएं होती हैं जो इनका भक्षण करती हैं, और उन भच्छी कोशिकाओं को लीवर में जो पाई जाती हैं, लीवर की जो भच्छी कोशिका, क्योंकि इनकी डेथ तो दो ही जगह होगी, लीवर में और कहां, स्प्लीन में होगी। तो जो लीवर में पाई जाती है भच्छी कोशिका सेल होती है, जो फैगोसाइट सेल होती है, जो इनको खाने का कार्य करती है, उनका नाम क्या है, कूफर। क्या नाम है, कूफर। और जो स्प्लीन में इनको भक्षण करती है उसका नाम क्या है, मैक्रोफेगी, मैक्रोफेगी। ये भच्छी कोशिकाएं होती हैं जो किसका भक्षण कर लेती है 120 दिन बाद, आरबीसी का। कौन सी, लीवर में कूफर और आपके स्प्लीन में कौन है, मैक्रोफेगी। 120 दिन बाद होती है सबसे ज्यादा डेथ, कहां होगी, तो सबसे ज्यादा डेथ इसकी कहां होती है, इसकी सबसे ज्यादा डेथ होती है स्प्लीन, प्लीहा में। इसलिए प्लीहा को क्या कहते हैं, आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहेंगे, कब्रिस्तान कहेंगे। आगे देखते हैं, ये तो हो गया डेथ और इनका ओरिजिन हो गया। अब देखते हैं इनका फंक्शन क्या है, तो गैसों का परिवहन है। फंक्शन क्या है, गैसों का परिवहन करना है। तो कैसे करेंगे, तो इनमें जो वही प्रोटीन है जो भी बताया गया है, हीम प्लस ग्लोबिन, हीम प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। हीम वाले में फेरस के कितने और पाए जा रहे हैं, तो 4 पाए जाते हैं। और ये 4 अपने साथ क्या जोड़ते हैं, ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन को किससे डोनेट करते हैं, HB से, प्लस इसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है भाई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कनेक्ट करके क्या करता है, इससे पहले भी बताया गया था ब्लड के जनरल करेक्टर में भी, तो ब्लड क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। यही फेरस क्या करता है, गैसों को जोड़ने की क्षमता रखता है। जब इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ जाएगी तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी। हालांकि कार्बोक्सी हम किसके लिए यूज करते हैं, कार्बोक्सी यूज करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए, तो कार्बोनेट रूप में होता है ये भी। तो ये आपका क्या, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड को भी ये जोड़ लेता है, ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो ऑक्सी, कार्बन मोनोऑक्साइड को जोड़ा तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हो गया, जैसे HbCO। तो क्या बन गया, HbCO। ये क्या हो गया, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। इस तरीके से गैसों का क्या कार्य करता है, परिवहन का भी कार्य करती है।
कौन? आरबीसी। फिर देखते हैं फंक्शन के बाद अब हमारे पास क्या है, आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता तो आरबीसी का आकार कैसा होता, सर्कुलर होता, लेकिन न्यूक्लियस तो पाया नहीं जाता है। और न्यूक्लियस में ही क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। अगर डीएनए का देखें स्ट्रक्चर तो कुछ इस तरीके से होगा, इसमें नाइट्रोजन छार जुड़े होते हैं, एटी से, जीसी से, सीजी, टीए या एटी, जीसी, सीजी, जीसी, टीए। ये डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है, इस तरीके से नाइट्रोजन वास जुड़े होते हैं डीएनए में, और इन नाइट्रोजन के बीच की दूरी कितना होती है, 20 एंगस्ट्रॉम, और दो नाइट्रोजन छारों के बीच की दूरी कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये जुड़े होते हैं, तो जब आरबीसी में नहीं पाया जा रहा है केंद्रक, इसका आकार कैसा हो जाता है, कुछ इस आकार का हो जाता है, दोनों तल उठे होते हैं, बाइकॉनकेव कहते हैं, जिसका नाम क्या है, उभया तल। अब इस ब्लड में मिलता है, अब पता चला एक व्यक्ति है जिसका नाम क्या है, मुन्ना। क्या नाम है, मुन्ना। अब इस मुन्ना की क्या हो गई, इसकी डेथ हो गई, किसी ने इसकी डेथ कर दिया, किससे, गोली से। तो उससे जब गोली से डेथ हुई होगी तो क्या निकला होगा, ब्लड, क्या निकला होगा, ब्लड इसके बॉडी से। अब इस ब्लड में पता चला कि आरबीसी नहीं है, क्या नहीं है, आरबीसी नहीं है, तो उस आरबीसी में क्या नहीं होगा, डीएनए और आरएनए नहीं होगा। तो इस आरबीसी से क्या नहीं हो सकता, इस आरबीसी से डीएनए फिंगर प्रिंटिंग नहीं हो सकती। ये क्या है, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, आजकल पेपरों में आप लोग देखते होंगे कई बार आता है, अभी लेटेस्ट आया था नारायण दत्त तिवारी, एनडी तिवारी और रोहित के केस में। तो ये डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या है, तो अल्ट्रा वायलेट किरण और अल्ट्रा वायलेट किरणों, यूवी किरणों और इथियम ब्रोमाइड की उपस्थिति में नाइट्रोजन बेस को पढ़ना, इन्हीं के संयोजन को, ये किस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, जो इनके नाइट्रोजन बेस हैं, जो इनका सीक्वेंस है, तो किसकी उपस्थिति में पढ़ना, इथियम ब्रोमाइड और किसके, अल्ट्रा वायलेट किरणों की उपस्थिति में पढ़ना ही क्या कहलाता है, आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कहलाता है। जैसे अगर इस व्यक्ति की डेथ अगर हुई तो इसको, अगर यहाँ पे दो लोग हैं ए और बी, तो इनके ब्लड सैंपल अगर मान लीजिए इस पार्ट पे इनके ब्लड प्राप्त होते, क्या प्राप्त होते, ब्लड प्राप्त होता इनमें से किसी का, तो उसको कहाँ भेजा जाता, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मुख्यालय पे, जहां पे हम ये चेक करते कि इस पार्ट पे जो ब्लड पाया गया है और इन दोनों सस्पेक्ट में से जिसका डीएनए नाइट्रोजन छार सेम होते वही क्या होता, वहां पे उपस्थित होता। तो डीएनए का फिंगर प्रिंटिंग का मतलब क्या है, नाइट्रोजन बेसों को पढ़ना, जिसे कोई व्यक्ति अगर मौजूद है तो उसका डीएनए और प्लस उसके जो ब्लड्स का डीएनए वहां पे गिरा हुआ है सस्पेक्ट का, तो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जो इसके माता पिता के संबंध में किया जाता है तो लगभग 50% डीएनए क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस सेम होते हैं, जिसे हम जान जाते हैं कि बायोलॉजिकल रिलेशन है, क्योंकि ट्विंस के अलावा में होमोलागस ट्विंस को छोड़ के बाकी इस पृथ्वी पर किसी भी दो व्यक्तियों के डीएनए सेम नहीं हो सकते। ये हो गया नाइट्रोजन बेस का। आगे देखते हैं आरबीसी कहां नहीं पाई जा रही है, जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती, जो रेप्टाइल्स वर्ग के हैं जीव, उनके ब्लड में क्या नहीं उपस्थित होती, आरबीसी नहीं उपस्थित होती है, केवल किसमें होती है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, जिनमें स्पाइनल कॉर्ड रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। इसके अलावा आरबीसी में हम क्या खास चीज देख रहे हैं, किसकी संख्या सबसे ज्यादा है, 54 लाख प्रति घन मिलीलीटर है मेल में, फीमेल में 48 लाख है। हाइट बढ़ने पे क्या होती है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है, हाइट बढ़ने पर आरबीसी की संख्या नंबर क्या हो जाता है, बढ़ता है, समानुपाती संबंध है आरबीसी नंबर में काउंट में। तो अगर हाइट पे जाएंगे तो आरबीसी भी बढ़ जाएगी, लगभग 4200 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे जाने पे आरबीसी काउंट बढ़ता है।
अब पता चला हमारे बॉडी में आरबीसी की कमी हो गई तो हम चले जाए नैनीताल तो क्या हो जाएगा, आरबीसी बढ़ जाएगी? नहीं, जब वहां हम लंबे समय तक रहेंगे ऊंचाई स्थानों पे तब आरबीसी बढ़ती है, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन की मात्रा ऊंचाई पे क्या होती है, कम होती है, इसलिए आरबीसी की संख्या क्या हो जाती है, धीरे धीरे एडाप्टेशन में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। सोते समय 5% आरबीसी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि तब उतना कार्य नहीं रहता है गैसों के सर्कुलेशन का या ऊर्जा का उतना वर्क नहीं रहता है। इसके अलावा आरबीसी का साइज देखते हैं तो सबसे छोटी है, लेकिन नंबर क्या है, सबसे ज्यादा 8 माइक्रॉन इसकी क्या है, साइज है। लाल रंग भी इसी हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले प्रोटीन के ऑक्सीजन के साथ क्रिया के कारण ही इसका रंग क्या होता है, रेड होता है। अब देखते हैं इसकी डिजीज क्या है, डिजीज में रोग में क्या है, पहला क्या है एनीमिया, क्या है एनीमिया, रक्त अल्पता बोलते हैं, रक्त अल्पता या रक्त क्षीणता बोलते हैं। तो आरबीसी का रक्त अल्पता और रक्त क्षीणता बोलते हैं, तो आरबीसी का रक्त अल्पता या क्षीणता का क्या मतलब है, तो बॉडी में हीमोग्लोबिन जो मेल में पाया जाता है कितना, 14 से 16 मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है, और फीमेल में कितना पाया जाता है भाई, तो 12 से 14 ग्राम मिलीग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब पाया जाता है। तो जब शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से कम हो जाती है तो इसी रोग को क्या कहते हैं, एनीमिया। और एनीमिया के लिए क्या दिए जाते हैं, तो आरबीसी का मेचुरेशन परिपक्वन दो विटामिन करते हैं, एक है विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड। तो इसमें विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड के टेबलेट दिए जाते हैं, किसके टेबलेट दिए जाते हैं, विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड के टेबलेट दिए जाते हैं, किसमें, एनीमिया रोग में विटामिन बी ट्वेल्व और फॉलिक एसिड के क्या दिए जा रहे हैं, टेबलेट दिए जाते हैं। दूसरा रोग है सिकिल सेल एनीमिया, इसको क्या बोलते हैं, हसिया दात्री रोग। ये क्या भाई है, तो आप गांव में देखे होंगे हसिया इस तरीके से होती है और दराती भी कुछ इस तरीके से होती है, जिसमें क्या निकले रहते हैं इस तरीके से। तो आरबीसी जब डीएनए जब बच्चे का निर्माण हो रहा होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, तो उसी डीएनए के निर्माण के दौरान उसमें फास्फेट PO4 में पी के जगह क्या जुड़ जाता है, एस जुड़ जाता है, क्योंकि डीएनए में हम जाते हैं शुगर कौन सी है, तो शुगर होती है डी ऑक्सी राइबोज। और इसमें नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, नाइट्रोजन क्षार कौन से, तो नाइट्रोजन क्षार पाए जाते हैं एडानीन, ग्वानीन, साइटोसिन और थायमिन, जिसमें एटी से जुड़ा होता है और जी सी से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। और फास्फेट पाया जाता है PO4, इसी में पी के जगह पे एस सल्फर के जुड़ने से आरबीसी का आकार बाइकॉनकेव से कैसा हो जाता है, हसियाकार हो जाता है, जिसके कारण आरबीसी में परिवहन की क्षमता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये डीएनए से जुड़ा है, इसलिए कैसा रोग है, जेनेटिक रोग है, आनुवांशिक रोग है, पीढ़ी दर पीढ़ी रोग चलने वाले रोगों को, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में चलने वाले रोगों को ही क्या कहते हैं, आनुवांशिक रोग कहते हैं। ये बात क्लियर हुई होगी। अगला रोग क्या है, थैलीसीमिया। कौन सा रोग है भाई, थैलीसीमिया, ये भी आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है, आनुवांशिक रोग है।
कैसा है? आनुवांशिक, जेनेटिक रोग है। कैसा रोग है? आनुवांशिक। क्यों है आनुवांशिक? अगर आप फिल्म देखे हो, पिक्चर हॉल, सिनेमा हॉल में पहले एक ऐड आता था, एक छोटी सी बच्ची एक अंकल को थैंक यू बोलती है, तो अंकल मुस्कुराते हुए पूछते हैं, बेटा आपने थैंक यू को वो क्यों बोला? तो बच्ची मुस्कुराते हुए कहती है कि आपने रक्तदान किया है। तो कहते हैं मैंने रक्तदान नहीं किया है। तो कहती है रक्तदान किया कीजिए, अच्छा लगता है। ये बच्ची किस चीज से पीड़ित है? थैलेसीमिया रोग से पीड़ित है, जिसमें हीम और प्लस ग्लोबिन दो भागों में नहीं टूट पाता है प्रोटीन। जब टूट ही नहीं पाएगा तो फेरस के कितने मालिकूल एटम? 4 नहीं बन पाएंगे। और गैसों का क्या नहीं हो पाएगा? सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। व्यक्ति की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। ऐसे रोगियों को बार बार बाहर से रक्त की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? रक्त की आवश्यकता पड़ती है बार बार। इसलिए रक्तदान करना क्या है? आवश्यक है। इसलिए रक्तदान क्या है? आवश्यक है। ये आपके आरबीसी से संबंधित जानकारियां थी।